नजर डालेंगे खेलों के मैदान पर। साबिक कप्तान और स्टार ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी ने फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी के एशिया कप 2022 में इंजरी के बाद बाहर हो जाने के हवाले से बात की है। शाहिद आफरीदी ने बताया कि मैंने इसको पहले भी मना किया था कि आप फास्ट बॉलर हो, डाइव मत लेना, इंजरी हो सकती है, लेकिन मुझे बाद में अंदाजा हुआ कि वो भी आफरीदी ही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम नीदरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में कामयाबी हासिल करने के बाद एशिया कप में शिरकत के लिए एमस्टरडैम से दुबई पहुंच गई है। जराए के मुताबिक कौमी स्क्वाड आज टीम होटल में आराम करेगा। जराए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल से दुबई में ट्रेनिंग सेशंस का आगाज करेगी। नॉटिंघम में होने वाले FIH मास्टर हॉकी वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीत लिया। इंग्लैंड ने मास्टर हॉकी वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी। मुकर्रर वक्त में 2-2 गोल से मुकाबला बराबर रहा। इंग्लैंड की टीम में पाकिस्तान के साबिक कप्तान गजनफर अली भी शामिल थे।